तो भी हम लोग पीसा शीसा के जो है ना कपड़े शपड़े लेने जा रहे हैं। स्पॉट शो पे जा रहे हैं तो जाहिर है थोड़ा काम के कपड़े सूट वूट लेके जाना होता है ना। तो अभी हमारी फ्रेंड है एक जो गाइड करी है वो हमें छोड़ के आएंगी। हम कहाँ पे जा रहे हैं वैसे? अभी मॉल ऑफ द एमिरेट्स जा रहे हैं। तो ये फाइनल किया हमने, थोड़ा बीच लुक के साथ हम लोगों ने एक वेस्ट कोट, ऊपर वाला कोट इसलिए नहीं पहना क्योंकि गर्मी एक तो इतनी है, लेकिन जेबें खाली करवा दी तुमने है, इतना महंगा भैंस की दो। अब भी अगर जेबें खाली करा दी साले, अपनी शॉपिंग की थी तू उन लेके देती है, जेबें खाली करा दी। हेलो मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है ना, मुझे आपका नाम नहीं पता, ये फुकरा इंसान है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बातों में ना स्कैर करें। चुप कर बे कुत्ते। हाँ ये पीसा जीत गया है, इसको आते हैं स्पॉन्सरशिप वगैरह, लेकिन है ये फुकरा, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। ज्यादा फिक्स होने की जरूरत नहीं है, असली नोट इधर है, मैं बाहर रहता हूँ। हेलो क्या कह रहा है आपसे मैं कह रहा हूँ नाना जीता रिफंडेबल है ना, अगर मैं हार गया तो इनको वापस कराने आ जाऊंगा। वैसे गाइस एक बात बताऊं, यूट्यूबर होने के वैसे एक्स्ट्रा फायदे भी हैं। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गए ये सच में। हाँ शर्ट है, पैंट है और वेस्ट कोट है, सच में 1.5 लाख रुपए का। ओए माज मेरी बात सुन, इसकी तू शक्ल देख, ये तुझे 1.5 लाख रुपए की ड्रेसिंग लाके देगा। जिस बंदे ने खुद कभी 25,000 रुपए के जो है, 25,000 तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपए की शर्ट खुद से खरीदी हो है। माज तुम्हें बता रहा हूँ मैं। हेलो आवाज आ रही है? दांत कम निकाला करो और कैमरा कम हिलाया करो व्लॉग्स में। मैंने कुछ ब्रो मेरे साथ लड़की थी, अब जाहिर है उसके सामने मैं चला जाता किसी सस्ती जगह पे। अच्छा तो नहीं वो ये रिफंडेबल है, मतलब अगर पीसा हारते तो फिर पीसा हारने को छोड़ो जीत भी गया। मास पहले तो ये चेक करो जो कपड़े लाया इसके ऊपर से टैग्स लगे हैं कि टैग्स उतरे हैं, क्योंकि मैंने डक्की के बारे में गाइस ये सुना है ने प्रतिशत बात सच है कि नहीं। डक्की जैसा बंदा जो है ना, डक्की जैसा नहीं ये, इसने मुझे खुद बताया था, सॉरी डक्की यार, कि ये बंदा नए कपड़े जब खरीदता है ना बड़े बड़े स्टोर से, उसके टैग नहीं उतारता। अब पूछो क्यों? इसने जब पार्टियों पे जाना होता है तो उसे लड़कियों पे डेट पे मिलने जाना होता है ना, जोर-जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ये वही टैग पैंट के अंदर कर लेता है। अब क्यों नहीं उतारता? क्योंकि इसने रिटर्न करने होते हैं, कपड़े वापस देने होते हैं कंपनी को, ये पैसे बचाता है अपने। मस्त प्लान है, मैंने वापस करा दिया। समझा गया। ये जो कमरा देख रहे हो तुम लोग, कमरा, ये कमरा चेक करो जरा, आपको टूर करवा देते हैं। ये है लिविंग रूम कमरा। अच्छा कमरा, अच्छा 2 मैकबुक पड़े हैं, 2 मैकबुक मैकबुक नानी वाले के हैं, एप्पल का सब कुछ नानी वाले का। ये देखो नानी वाले का फोन रखे मैंने। ओह भाई साहब, ओह ये नहीं बताना था, ये नहीं बताना था। और ये वाकई नानी वाले का ही है, नानी वाले ने दिया, यस ये कंफर्म है। नहीं ये वो कट कर देंगे, टेंशन मत ले। अच्छा मैं तुझे बता रहा हूं यार, ये है बाथरूम, लेकिन ये बाथरूम ठीक है, बाथरूम ये अगर हग रहे हो ना तो बढ़िया, और तुम यहां पे बैठ के देख सकते हो। ये देख इमेजिन तुम्हारा है वहां पे, कह रहा हूं मैं वॉशरूम जा रहा हूं, सही ठीक है, तुम इस तरह इसको देख सकते हो। इन्होंने एक चीज और भी की हुई है, देखे तो स्लाइड डोर लगाया हुआ है। यार मैंने मिस कर दिया सारा शुगल गाइस, मैंने जाना था दुबई लेकिन मेरा थोड़ा मसला आ रहा था, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में शुगल मस्ती करेंगे जरूर। ताकि अगर आपको इधर भी ब्लर दिखे ना, बस सही से ना दिखे तो हल्का सा और नहीं देखो। वो पूरा विजिबल हो गया। और कल नानी वाला टब के अंदर बैठ के मजे ले रहा और किसके साथ ले रहा ये भी बताओ, असली हकीकत आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। नानी वाला वापस आया और उसने मुझे क्या क्या स्टोरियाँ बताई डक्की के बारे में, और टब की बात भी बीच में आई थी, और मैंने नानी वाले को वहाँ पे रोक दिया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं सुनना चाहता, कहता सुनो तो सही, वो तो अच्छी बात है। डक्की ने बात, हाँ चलो क्या नहा नहीं रहा था, बस बैठा हुआ था, उसका एक हाथ बाहर था एक हाथ पानी के अंदर, नहीं पानी के अंदर नहीं था, कहीं और था। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जहाँ पे पीसा वालों ने होटल किया है, वहाँ पे सारे बॉयज हमारे आए होंगे, गर्ल्स भी ठीक है, और उनसे हेलो हाय। और बाय द वे ये आपके भाई ने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप लिया है, ये मैं मानता हूँ सबसे फास्टेस्ट लिया, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? यही सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप, सबसे फास्टेस्ट। हाँ इसके इससे ऊपर के क्या बोला, सबसे फास्टेस्ट 4i9 RTX 3080 64GB रैम। कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? नहीं मुझे दोबारा बताना बैंचू, मुझे तो पता ही नहीं ना। अंजी आ गई तुम रुमेशा, ये कैसे आंसर हो? एक मिनट रिमाइंड। अंजी आ गई तुम क्लास में मुंह काला करवा के हैं, मुझे पता था तुमने यही करना है, तो इकोनॉमी क्लास वाली। कैसा रहा ट्रिप तुम्हारा? बहुत ख्वार तैयार हो वही हो या मतलब एयरपोर्ट से ऐसी आई हो? है? क्या अपने मुंह मियां मिठू किसी ने तारीफ की है? एक सेकंड और खोला के दरवाजा पे देखा कौन? ओह माय गॉड रमेश, यू पीस ऑफ ऑल। जीतना है फिर कि नहीं? अच्छा तुम्हारा मैं तुम्हारा टक्कर है क्या? शामिर अब्बास, शामिर आजकल लगता है अंडरग्राउंड हो गया जी। ड्रामे का आ रही है, इसके पास खुद भी है मेरे लिए। क्या समझे? नहीं एक सेकंड, मेरे लिए क्या है? उसको लेके दे रहे हो तुम बच्चे, क्या समझे? नानी नानी वाला, ये बेस्ट था, ये अच्छा था। क्या समझे? नाइस, मजा आया, मजा आया। बेस्ट सीन ब्लॉग का। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रही तुम ठीक हो यार। एक्टर है ये, एक्ट्रेस है पूरी, उसके एक्सप्रेशंस देखो। नानी वाला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा डगी बोंड में आता है मैं आज। चलो यार ऐसा, तुम थकी थकी आई होगी, तुम शावर ले लो, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। देर तक अच्छा। चलो यार ऐसा, तुम थकी थकी आई होगी, तुम शावर ले लो, मैं रेस्ट कर लेता हूँ देर तक। A few inches later. समझ रहे हो? हम लोग जहाँ पे नाश्ता करने जा रहे हैं ना, ये होटल का ब्रेकफास्ट होता है नॉर्मली, और यहाँ पे दुनिया जहाँ की हर चीज है, ऐसा इसका कहना है। ये करके आया है हर चीज है कि नहीं? बिल्कुल सब कुछ हर यहाँ से। वही लिफ्ट है जहाँ पे अली हैदराबादी ने टिकटॉक बनाई थी। दोबारा कर पीछे जा। ये सही किया, ये सही किया। ब्रो अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हैदराबादी। बंदे का पुत्र बनो। हाय हाय जन्नत। यहाँ से शुरू करते हैं, ये चेक करो। ओए अखरोट पड़े हैं गाइस, केक पड़े हैं, शीरमाल पड़े, बंद पड़े हैं यार। ये रोल दिया हुआ है, ये तुम ले सकते हो। रोल नहीं खा सकते। नहीं तुम ले सकते हो। ये वो देखो, अभी वो पूरी लाइन पड़ी है, वो पूरी लाइन आगे पड़ी है। और फिर यहाँ पे आता है, भाई मैं जा रहा हूँ दुबई। स्वीट्स वगैरह ठीक है, डोनट यार ये चेक कर, डिजाइन देख। मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट डोनट ये वाले आते हैं, स्वीट्स ये वाले। पब्लिक फिर तुम लोग कहते हो कि जे तू कितना गंदा है। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग देख रहे हो, मैं बोलूँगा नहीं। मेरे साथ यहाँ पे चैट में कितने लेजेंड्स बैठे हुए हैं इस वक्त, मुझे नहीं पता क्या वो भी देख रहे हैं कुछ ऐसा जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। क्या उनकी भी नज़र वहाँ पे जा रही है? क्या उनकी भी वहाँ पे नज़र जा रही है जहाँ पे मेरी जा रही है? क्या मैं ही इतना हरामी पाया गया हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ पे जो है नज़र रखता हूँ? इसकी धूम, घर में खाने को दूसरी वक्त रोटी नहीं मिलती, यहाँ पे देखो इतनी इज्जत। अभी बिला वजह जो है मुझे बदनाम कर रहा है। उसको मैंने बोला हुआ कि बेटा जब सारे बैठे हो टेबल पे तो आ जाया करूँ। अभी ऊपर बैठ के अगर अपने कमरे में हिला रहा होता है, वीडियोस बना रहा होता है, बकचोदियाँ कर रहा होता है, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। आप लोग बताओ। तो अब यहाँ पे बदनाम कर रहा है कि खाने को कुछ मिलता नहीं है, ये तो गलत बात है ना। फिर बेशरम आदमी। ये क्या है? बेक्ड बीन्स, आलू पराठे, कड़ी, मशरूम, चिकन सॉसेज। ये ले फिट भी आ जाएगा। बीफ विद चक्कर यार, ये तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। ब्रो चिकन फ्राइड राइस। भाई मैं हूँ फुल देसी बंदा, मुझे देसी खाने पसंद है। भाई ये मैंने खाया हुआ है, ये बहुत मजेदार होता है। ये नाश्ता है, ये अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये नाश्ता है। ये ड्रीम, दिस इज ड्रीम। वो देख यार ये पैनकेक्स जो होते हैं ना, मैंने पैनकेक खाने कभी मैंने आज तक पैनकेक नहीं खाए। लुक एट दिस ब्यूटी। अबे हाथ ना लगा, उन्होंने अबे भैंचोद खुदी के बच्चे, इतनी ऊंची मीम की आईडी पद कौन डालता है? उन्होंने चम्मच दिया है ना पेंडू। ये तुम मिलाद में थोड़ी आए हो जहाँ पे देग में, बिरयानी की देग में हाथ मार लेते हैं लोग हैं। ओफ ओफ ओफ। कसम से मैं जब जाता था ना, मैं देग में जो कोई बोटी ना दे रहा हूँ, मैं हाथ डाल के बोटी निकाल लेता हूँ। ओफ ओफ। शहद का पूरा छत्ता, ये मजेदार चीज है उन्होंने रखा हुआ है। पूरा बी मतलब जहाँ से शहद निकलता है ना, उन्होंने वही रखा हुआ है। अब आप यहाँ से निकालोगे उसको, खुद ही लचोड़ोगे। शादी में थोड़ी आए हो यार आप। अच्छा। और मुझे लगा यार तू खा रहा है, मैं भी खा लूंगा। कैसा कैसे बताना, कैसे? मुझे रोना आ गया। उफ उफ उफ। Excuse me? हाँ। Who made this? This is so good. I just want you to say thank you to the chef. Where are you from? Nepal. शुक्र करो कोई पाकिस्तानी होता उसने कहना तेरे घर हूँ। कोई अपना होता ना, कोई अपना होता उसने कहना तेरे घर से। Love from Pakistan bro. This is so good. हमारे साथ भंड हो गया, हम लोग रेड कार्ड फिर से आए नहीं है यार। ये बंदा बड़ा नाइस है। हम लोग कहाँ से? ये बंदा बहुत नाइस है। वो क्रू है सारा। वो क्या? ब्रो हम लोग रेड कार्ड मशीन की तरह। क्या बकवास कर रही हो? पीछे वाली दरवाजे से आए हैं। हमें वापस लेके चलो ब्रो। हमें क्या हाल चाल है ब्रो? अरे थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच। ये बेस्ट फीलिंग होती है गाइस, ये बेस्ट फीलिंग होती है। दैट इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्योर ले लो। बड़ा फनी सीन। गाइस कसम से अगर मेरे मीटअप पे ऐसी लड़कियां आए ना, हम लोग रेड कार्पेट के अंदर से हो के अब वापस वहां जा रहे हैं। लोग रेड कार्पेट से अंदर जाते हैं, हम अंदर से रेड कार्पेट में आ रहे हैं। अब हम लोग दोबारा वहां जा रहे हैं। ये स्वैग है। मोस्ट एंटरटेनिंग इंस्टाग्राम सेलेब्रिटी। ये टूटा हुआ नहीं था, तुमने तोड़ा है। तुम्हें किसने कहा कि इसके ऊपर बैठो? तू बैठा है नानी वाले के बाद फिर यहाँ भी बैठ गया। ये to announce the YouTuber of the Year and the nominees are YouTuber of the Year Ducky इतना प्यार, बड़ा पप्पू तैयार हुआ। मैं आज फेशियल करा के गया। आगे बढ़ने से बोझली के मुझे ये ना बोलें कि स्पॉन्सर आए हैं। पहले आई वॉन्ट टू से थैंक यू। तुम लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। ओ गाइस ये ड्रामेबाजी कर रहा, सही बता रहा हूँ। तुम लोग मेरे लिए इतना करते हो, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है यार इस चीज़ का। वी डिड इट। हम लोग इस वक्त हैट्रिक पे हैं और आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। आई लव यू गाइज। और ये पूरी वीडियो जो है मैं इस वक्त तुम लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं, दिस वन इज़ फॉर यू। अल्लाह तुम सबको खुश रखेगा और मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बैंगर करो। डकी भाई लौटा। यार मैंने भी होना था यार इधर, कसम से। मजा सारों को और थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वांट टू थैंक माय ऑडियंस एज वेल। मैं अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली कहता हूँ। और थैंक यू सो मच यार, इतना तुम लोग टाइम निकालते हो, वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इट मींस अ लॉट टू मी। अच्छा डकी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। डकी, इतनी खूबसूरत लड़की ने आपको बोला डकी भाई आ जाए तो कैसा फील हुआ? ओ खैर है, खूबसूरत होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने अब 4 साल पहले डकी भाई नाम ऐम ही रख दिया। मुझे तो नहीं पता था कि इस तरह। यार मैं उदास, पता क्या हुआ था? मैं उदास ये हुआ था कि मैंने जाना था यहाँ पे। कैसा होगा आप नहीं, बट इट वाज रिटन इन द पेपर एनवेलप, सो मैंने तभी बोला। जबरदस्त। अच्छा अभी मैच वगैरह देखने जा रहे हैं। भट्टी पड़ी है पैन, टैक्सी नहीं मिल रही। यार नानी वाला मैच क्या कर रहा। पहुंच गए असी मैच वेखन ते आधे ओवर हो चुके ने पाकिस्तान दे ते 10 ओवर रहंदे ने। जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। मोहम्मद साकब की दुकानदारी बंद होगी। मैंने स्क्रीन पे देखा ना, मैं बस याद की स्माइल करा देना उधर, ठीक है? स्टेज पे कराऊं मैं ऐसे एक्साइटेड हुए बाबा जीतने लगूंगा। ऐसे किसी और का नाम बोलते बिस्ती हो जाएगी यार, ऐसे ना करना भाई। लास्ट टाइम मुझे पता तुम लोगों ने मुजरे के लिए वोट डाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस बार तुम लोग दिल से डालो। देर की टेंशन नहीं लेनी, दिल से डालो यार। म्यूजिक तो ऐसा डाला हुआ है कि पानी इधर बैटमैन आ रहा है अपनी बैज बाइक पे। नहीं बनाया तो मजेदार है। फिल्म लुक है, जैसे मैं GTA की वीडियोस हम बनाते हैं ना, वैसी है। आए 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 बैठ से बड़ा सीन मारा है। नानी वाला की भी एक्टिंग अच्छी है। नाइस। डकी भाई। हाँ हेलो यार, नानी वाली की पिन लोकेशन सेंड कर दी, मुजरा किए बगैर भाग गया यार। ए पैजो रोल प्ले कर रहा है व्लॉग में। नाइस आइडिया, अच्छी चीज है। आए लगता तेरी लू के आईफोन दे बगैर ही चला गया वो है। कर दे ना परदेसी, कर ना। वो अच्छा यार ठंड रख, पुनी भेज रहे हैं। अरे यार यार बहुत आला यार, जबरदस्त मैच हट गया थोड़ा सा। उसको पता क्या था, बूंद लेके ना अपनी नानी वाले के मुंह पे रख के पद का साउंड इफेक्ट डालता। अच्छा बैंड से नानी वाले को कुट पाल रही है, नानी वाला क्या एक्टिंग, नानी वाले को कुट पाल रही है, वो हंस रहा आगे से देखना। नानी वाले का फेस देखना, वो हंस रहा है। यार डकी क्या कर रही है यार। पैच बालों से पकड़ लिया उसको यहाँ पे ना। चल छोड़ खोती के बच्चे पैच। ओ हंस दिया लाके मेरे गाने कुड़ी नच दिया। ओ हंस दिया मेरी गला कर कर हंस दिया लाके मेरे गाने कुड़ी नच दिया। ये ट्वर्क था नानी वाले का। रुको जरा, ओ फक मैं क्या कर। तू बंदे का पुत्र नहीं बनना है, तू बंदे का पुत्र नहीं बनना। नदीम भाई सॉरी, तू बंदे का पुत्र नहीं बनना है, नहीं बंदे का पुत्र बनना है, नहीं बनना। यार यार मजे थे यार। फक भाई हमने यहाँ पे जाके स्ट्रीमिंग करनी है पाकिस्तान में। चल Hi, saaf sutra, shiny. For sure. Here's the award. I would like to thank all the critics. I'd like to thank Ducky for receiving it on my end. और मैं अच्छा इसका हाँ सच इसका भी award था, मैं भूल गया हूँ सच। हाँ शुक्रगुजार हूँ कि ये award good man. The end. Nice. अच्छा था।